गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई फिर से आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड में। तो भाई सबको पता ही है क्यों आए हैं। तो भाई फाइनली रॉयल एनफील्ड ने रिवील कर दिया अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर 2023। अंदर खड़ी है बाइक अभी, यहाँ पे खाली कॉन्टिनेंटल जीटी अवेलेबल है, इंटरसेप्टर अभी तक नहीं आई है। वो आपका जो कॉन्टिनेंटल जीटी है वो है स्लिप स्ट्रीम ब्लू कलर में अंदर खड़ी है। भाई मैंने भी अभी तक नहीं देखी लुक, भाई मेरे पता नहीं कैसे भाई कैसी लगने वाली है। क्रोम से पूरा मैट ब्लैक, और भाई क्या क्या चेंजेस है सब बताऊंगा वीडियो में, मज़ा आ जाने वाला है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, सुपर मिटियोर का ये कलर मैंने अभी सामने देखा, भाई ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो ये कलर है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अभी इसके अंदर विंडशील्ड लगी है, लेग गार्ड लगा है, और इसके फुट पैक भी चेंज हो रहे हैं। और एक बार पीछे से दिखाऊँ, ये देखो भाई कितनी ह्यूज लग रही है, उसके बाद ख़तरनाक, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज। और भैया अभी इसके फुट पैक चेंज कर रहे हैं, बट भाई अब अंदर चलते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं भाई कॉन्टिनेंटल जीटी कैसी है और भाई क्या क्या चेंजेस है सब बताते हैं आपको। फटाफट से चलते हैं अंदर, भाई मुझसे नहीं रुका जा रहा, मिलते हैं आपको अंदर सीधा। तो भाई आ चुके हैं अंदर, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी बाइकें रिवील करी हैं, और इधर है हिमालयन, इधर है आपके इंटरसेप्टर, और इधर है हंटर। और भाई बाइक खड़ी है मेरे सामने, फर्स्ट इम्प्रेशन दो तो भाई बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक। चारों तरफ से अगर मैं देखूँ तो भाई मज़ा आ गया मेरे को, तो क्रोम वाली भी इतनी पसंद थी। और ये जो ब्लैकआउट इन्होंने पूरा जो एग्जॉस्ट वेंट पाइप और इंजन जो ब्लैकआउट किया है वो भी बहुत ही मस्त लग रही है। तो भाई सबसे अब आपको दिखाते हैं 2023 की कॉन्टिनेंटल जीटी। तो भाई ये है आपकी 2023 की कॉन्टिनेंटल जीटी। ओ भाई सच्ची में भाई कलर इतना मैच कर रहा है ना भाई के साथ, ये जो ब्लैकआउट है उसके साथ ये कलर बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है। ये देखो भाई ग्राफिक्स देख रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई बाइक पे। और ये जो इंजन ब्लैकआउट किया है ये भाई ऑलरेडी क्रोम वाले बंदे कुछ परेशान हो के ब्लैकआउट भी करा लेते थे, बट भाई मैं सच्ची बताऊँ दोनों को मेंटेन करना भारी है, क्रोम को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और ये जो ब्लैकआउट हुआ है इसको भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट भाई सच्ची बताऊँ तो बाइक बहुत ही प्यारी लग रही है ब्लैकआउट होकर भी। अब यार अब फटाफट से बात करते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या हैं, तो भाई एक एक करके आपको बताएंगे इसमें चेंजेस क्या क्या हैं। और जो मेजर चेंजेस हैं वो तो भाई सबसे मेजर चेंजेस हैं अलॉय। तो आपको मिलते हैं आप कॉन्टिनेंटल जीटी में अलॉय, जो कि है 18 इंची के, पीछे भी 18 इंची का टायर सेगमेंट सेम मिलता है, 130 110। भाई टायर सेगमेंट सेम है, बट भाई ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत कंपलसरी थी, लोग आफ्टर मार्केट करोड़ बाग हो गया और भी कई जगह जाके इसमें अलॉय व्हील्स लगवाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता था। अलॉय व्हील कई बार टूट भी जाते थे, इसका ABS काम नहीं करता था, तो भाई कंपनी रिकमेंड नहीं करती थी, बट फाइनली कंपनी ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब आपको कंपनी फिटेड इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, देखिए है यहाँ पे। और भाई पहले कुछ ऐसी लुक आती थी सेम इंजन ऐसी स्पोक व्हील्स के साथ, और अब देखो नई लुक विद अलॉय व्हील्स और ब्लैकआउट इंजन। तो भाई ये था पहला चेंज। और अब बात कर लेते हैं दूसरे चेंज की बात, तो दूसरा चेंज मैंने सबसे स्टार्टिंग से आपको बता ही दिया, दूसरा चेंज है ये, जो कि है पूरा इंजन ब्लैकआउट, बेंड पाइप ब्लैकआउट कर दिया, और एग्जॉस्ट भी ब्लैकआउट है। क्लोजली दिखा देता हूँ, ये देख लो ये पूरा ब्लैकआउट है, ये भी ब्लैकआउट है, और ये बेंड पाइप और एग्जॉस्ट भी पूरा ब्लैकआउट है। पुराना वाला कुछ ऐसा दिखता था, अगर किसी ने पुरानी वाली नहीं देखी है तो भाई पुराना वाला कुछ ऐसा दिखता था, ये क्रोम मिलता था आपको, ये भी क्रोम, बेंड पाइप पूरा क्रोम और एग्जॉस्ट भी क्रोम। तो पुराना वाला था ये, और जो अब नई लुक के साथ आई है वो है ये, तो ये सब इसका नया लुक है। और दूसरा मेजर चेंज बताऊँ, दूसरा मेजर चेंज ये भी बहुत ज़रूरी था, ये अभी भी काफ़ी बाइकों में नहीं दे रहे, सुपर मीटियोर में दिया इन्होंने LED हेडलाइट, और वही इन्होंने आगे फॉलो करा है। तो आपको GT में अब मिलती है LED हेडलाइट, जो कि है सुपर मीटियोर वाली, जो आपको सुपर मीटियोर मिलती है वही सेम हेडलाइट है ये। एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं तुम्हें बाइक, हेडलाइट का ग्लो भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा लो बीम हाई बीम करके दिखा देते हैं आपको, ये देखो। तो भाई सबसे मेन चीज़ भाई हेडलाइट LED हो चुकी है, बट यार
एक चीज़ है, कंपनी से थोड़ी सी शिकायत है, जब आपने एलईडी सेटअप दे ही दिया है तो यार बाकी चीज़ें भी इनको एलईडी कर देना चाहिए था, जो कि मेन चीज़ है इन्होंने पीछे से कुछ नहीं चेंज करे। टेल लाइट इसकी अभी भी हैलोजन आती है, और आपको जो इंडिकेटर हैं वो भी अभी हैलोजन आते हैं, जो कि पुरानी वाली में आते हैं। जैसे कि ये देखो सेम इंटरसेप्टर है, यही सेम इसमें आते, दे दो कोई फ़र्क नहीं है अभी भी। अगर ये चीज़ और थोड़ी सी ये अगर एलईडी कर देते तो यार मज़ा ही आ जाता, कुछ बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं। एलईडी हेडलाइट मिल जाती आपको, एलईडी टेल लाइट हो जाती, एलईडी इंडिकेटर्स हो जाते। एक बार आपको इसके इंडिकेटर्स भी जला के दिखा देते हैं, ये इसके आपके इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। तो भाई मेरे को इस चीज़ में थोड़ी सी शिकायत है कंपनी से, अगर ये आपको एलईडी मिल जाते तो बहुत ही मच बेटर था, मज़ा आ जाता। इस साइड से बाइक ऐसे कुछ एग्जॉस्ट ऐसे दिखते हैं। और भाई अब बात कर लेते हैं और क्या चेंजेस है सब, और दूसरा चेंजेस तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर और क्या चेंजेस है भाई। और चेंजेस है ये, जैसे कि आप देख सकते हो ये है सुपर मेटियोर वाले ही, आपको पूरे के पूरे स्विचेस जो हैं ये चेंज कर दिए हैं। ये है मेटल, प्लास्टिक नहीं है, ये है मेटल है। और ये देखो ये पूरे स्विचेस चेंज हो गए हैं, ये भी, और यहाँ पे भी आपके स्विचेस चेंज हो गए। ये देखो पासिंग, हाई बीम, ये इंडिकेटर्स का, और ये हॉर्न हो गया आपका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सेम है, जैसे पुरानी में आता था वैसे ही है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इंटरसेप्टर भी सेम ही आता है, तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ग्रिप चेंज कर दी गई है, ग्रिप से पुराने वाले में कुछ आपको ये देखो यार ये नॉर्मल से कुछ मज़ा नहीं आता था, पुरानी वाली ग्रिप से ये है, और नई वाली जो ग्रिप है ये है, जो कि आपको सुपर मेटियोर वाली मिलती है। बाइक पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम फील दे रही है यार। ये भी चेंज कर दिए, पहले कुछ ऐसे आते थे इस टाइप में, और अब थोड़ा सा चुप चेंज करा है लुक देख रहे। और एक चीज़ और, इसके लीवर चेंज कर दिए, ब्रेक लीवर और क्लच लीवर दोनों चेंज हो गए हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सेम सुपर मेटियोर वाले ही मिलते हैं आपको, तो ये भी लीवर चेंज हो गया। बट यार पर्सनली कहूँ तो मेरे को पुराने वाले ही पसंद है, ऐसे कुछ पुराने वाले थे उनमें ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी मिलती थी, तो मेरे को तो पसंद ये वाला है। आप बताना आपको कौन से वाले पसंद है, पुराने वाले हैं नए वाले। और नए स्विच में एक चीज़ और है, ये देखो आपको मिल जाता है इसमें 1000। तो यहाँ से देखो चारों इंडिकेटर चलेंगे बाइक के, देख सकते हो चारों इंडिकेटर चल रहे हैं। तो यहाँ से इसको बंद करते हैं और एक बार आपको बाइक की आवाज़ सुना देते स्टार्ट करके। ये रहा टैब, ये रहे सारे कलर्स, कौन कौन से कलर आते हैं अब अपन नई कॉन्टिनेंटल की टीम में दिखते हैं। तो भाई मिस्टर क्लीन जो कि है क्रोम एडिशन, ये सबने देखा हुआ, इसका इंजन भी क्रोम है, स्पोक व्हील्स है इसके अंदर, और आपको टैंक भी इसका पूरा फुल क्रोम मिल जाता है। तो जो नया कलर है वो है कि एपेक्स ग्रे, मेरा ये देख सकते हो भाई ग्रे और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर इंजन ब्लैकआउट है और आपको अलॉय व्हील्स भी मिलता है। और दूसरा है स्लिप स्ट्रीम ब्लू की येरा, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई दिया वीडियो में, ये कलर है। तो भाई एक मेन चीज़ ये है कि भाई इन दोनों जो ये एपेक्स ग्रे है और ये स्लिप स्ट्रीम ब्लू है, इन्हीं दो के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर आप बाकी नीचे आते हो, ये है नीचे, अगर मैं और कोई कलर चूज़ करूँ तो ये देख सकते हो इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स, क्रोम इंजन और वही मतलब पुराना वाला सब कुछ मिलता है। और ये रेड आपका यहाँ पे आ गया है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। तो इन कलर्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, आपको खाली एपेक्स ग्रे और स्लिप स्ट्रीम ब्लू के अंदर ही कलर मिलते हैं। तो आपको इसके अंदर टोटल अभी कलर मिलते हैं 3, आपको इसके अंदर 6 कलर मिलते हैं। तो भाई आप चूज कर सकते हो कौन सा कलर आपको बेस्ट लगता है। भाई मेरे को जो बेस्ट लगा वो है एपेक्स ग्रे, क्योंकि अगर मैं लूँगा तो पर्सनली मेरे को ये पसंद आया काफ़ी ज़्यादा, और बाइक के लुक भी काफ़ी इनहेंस हो गए इससे।
और ये 6 कलर हैं। बाकी और कुछ डिटेल चाहिए तो भाई मैं रजत भाई का नंबर आपको दे ही रखा है, आप पूछ सकते हो। हो सकता है कुछ टाइम बाद अभी इसकी कुछ दिनों में टेस्ट ड्राइव भी शुरू हो जाए तो आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो। अभी इसके टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं है, कहीं आप बोलो भाई टेस्ट ड्राइव कराए थे, टेस्ट ड्राइव मिलेगी, देखने आ सकते हो। बाइक यहीं खड़ी है, आपको स्लिप स्ट्रीम ब्लू कलर मिल जाएगा, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो आप देख सकते हो आगे बाइक कैसी है, ओवरव्यू ले सकते हो, बुक करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। और दो चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया, फटाफट से आपको एक बार चल के वो भी दिखा देता हूँ, वो दो चीज़ें मैं भूल गया बताना, तो टैब यहीं रखते हैं। तो भाई जो दो चीज़ें हैं वो जो मैं आपको बताना भूल गया, एक बार मैं आपको बताता हूँ, तो दो चीज़ें वो हैं, एक इसके अंदर नया चार्जिंग पोर्ट ऐड हो गया है, आप इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है आपको, और दूसरी चीज़ ये इसके ये मिरर्स, ये भी ब्लैकआउट हो चुके हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पे पहले आपको क्रोम मिलते थे ऐसे, और यहाँ पे मिल चुके हैं ये ब्लैक। और आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाऊँ तो आपको अगर दिखे तो यहाँ से ये दिख रहा है, ये देखो ये रहा, ये थोड़ा सा ये हटाओ, ये देखो ये रहा चार्जिंग पोर्ट। आपने यहाँ पे केबल लगाई तो फ़ोन चार्ज कर सकते हो। ये अब आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई पहले लोग सोचते हैं मोबाइल माउंट के साथ ये भी चीज़ें लगती हैं, बट ये भाई कंपनी फिटेड मिल रहा है, तो ना आपकी बैटरी को हार्म होगा ना ही कुछ होगा, तो भाई पूरा पैकेज मिलता है आपको ये। और अब प्राइसिंग देख लिया, उसमें आपको ये ऑनरोड पड़ती है ये कलर के साथ सब कुछ लगा के, आपको ये पड़ती है 4,05,000 रुपीज़ की, जो कि इसका प्राइस पहले से बढ़ चुका है। आप अब कोई सी भी GT लेने आओगे आपको पुराना वाला रेट नहीं मिलेगा, सब पे प्राइस बढ़ चुका है, एटलीस्ट इस पर 50,000 रुपीज़ बढ़ चुके हैं हर बाइक पर, तो भाई आपको 15,000 महंगी पड़ेगी। बट भाई जो चीज़ है ना मज़ेदार, पुरानी वाली से आपको 15,000 रुपये महंगी पड़ेगी, बट जो चीज़ बनाई है भाई ब्लैकआउट करने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक, जो भी चेंजेस करें कुछ चीज़ों में रॉयल एनफील्ड से अभी भी शिकायत है, बट और जो अभी ओवरऑल मेरे सामने बाइक खड़ी हो बहुत प्यारी है। तो भाई और अगर आपको बाइक लेनी हो, ओवरव्यू लेना हो, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप यहाँ पे आ सकते हो शोरूम, ये पड़ता है ग्रेटर कैलाश में, राइट ऑटोमोबाइल्स के नाम से, यहाँ पे आके आप अपनी बाइक देख सकते हो सब कुछ। और ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे हेलमेट्स, जैकेट, एसेसरीज़ यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप यहाँ से वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो भाई इस ब्लॉग में इतना ही, चैनल को करो यार सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, बताना मेरे को आपको क्या पसंद आया भाई में, क्या नहीं आया, क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी मैं रॉयल एनफील्ड से, और क्या आपको लगता है कि अलॉय व्हील्स देना एक अच्छा ऑप्शन था या नहीं था, ये सब मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, बाय बाय।